मेक्सिको यू ब्रोक ऑल रिकॉर्ड। सर आपने बीड़िया डिश का नाम सुना है? बीड़िया तो यार नाम पहली बार सुन रहा हूँ, तो डिश कहाँ से सुनी होगी। अच्छा मैक्सिकन तो पिछली बार भी हमने एक डिश खाई थी, पिको दी गायो। बीड़िया डिश यार ये तो कोई नया नाम है मेरे लिए, बीड़िया डिश। मैक्सिकन डिश है। अच्छा मैक्सिकन है, लेकिन ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और यार ट्राई करो ना अपना फीडबैक दे। चले ये भी ट्राई करते हैं। और ये तो वाकई बीड़िया तो अजीब किस्म की है, किस तरह का बनाया हुआ है ये? पापड़ में कुछ डाला हुआ है मवाद दिया क्या मतलब? ये सर टाको है। ये भी टाको है जी? तो वो खाया था वो भी? वो टाको था, ये बीड़िया टाको है। बीड़िया यानी उससे बड़ा ग्रैंड। यार ये तो ऐसा लगे जैसे हमारी रोटी होती है ना, रोटी की तरह पराठा बनाते हैं ऐसा, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन ये अंदर क्या है इसके? ये बीफ है सर, बीफ है और चीज़ है। जबरदस्त बीफ और उसमें चीज लगा के तो और मजे का हो गया यार, बहुत ही जबरदस्त। और वैसे ऊपर से भी दिखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। ये कहीं भेड़िए का तो गोश्त नहीं है? ये गाय का गोश्त है। ओ यानी इसका मतलब ये फिर महंगी डिश होगी क्योंकि गाय का गोश्त है। तो ट्राई करके देखते हैं। कही खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का बना हुआ है। और इसमें जो बीफ डाला हुआ है ना, उसका भी जायका अलग ही है, जो मसाला डाला हुआ है। यार ये टाको पे तो इतनी सजावट हुई है, जैसे हमारे यहाँ जो है ना दूल्हा जब घर में आता है ना दुल्हन लेकर, तो उस पर फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हैं, इस तरह ऐसा लग रहा है टाको की शादी है, ये पत्तियाँ निछावर की गई है। यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो यखनी नहीं होती, यखनी ऐसे बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। बहुत ही ज़बरदस्त यार, इसका पापड़ बड़ा मज़ेदार है। ये टाको है। थोड़ा मुश्किल काम है। यखनी है जो भी है इसके साथ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़े की बनी हुई है। वाओ बहुत ही ज़बरदस्त यार, इसके साथ तो बड़ा मज़ा कर रहे हैं भाई। ये डिश तो ऐसी है कि आप अकेले में यानी तनाई में बैठे हो और ये डिश आपके सामने हो ताकि कोई तंग करने वाला ना हो और मज़े से खाओ जाए। वैसे यार इसका जो अंदर गोश है उसका तो जायका ऐसा मज़ा कर रहा है जैसे भेड़ वगैरह का गोश, और थोड़ा हल्का सा कच्चा पक्का जो बनता है ना वो सीख में बनाते इस तरह का, ऐसा जायका ऐसा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे को यार वाकई मेक्सिको जाना चाहिए क्योंकि वहाँ की डिशें वाकई बहुत ही ज़बरदस्त। मेक्सिको यू ब्रोक ऑल रिकॉर्ड। पराठे में जो है ना इस तरह का पराठा बनाते हैं, फिर अंडा ऑमलेट लगाकर उसका रोल बनाकर खाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नया अंदाज है, यानी नया न्यू ट्रेंड। वैसे यार मेरे ख्याल से तो ये वहाँ मेक्सिको में बड़ी होटलों में ये डिश मिलती होगी शायद। ये सर स्ट्रीट फूड में भी बहुत काफ़ी मशहूर है, ये टाको होता है ना जो। अच्छा मतलब ये किसी भी स्ट्रीट फूड में बनते होंगे ये? जी जी। ज़बरदस्त यार वाकई, फिर तो उन लोगों के मज़े होंगे, हर कोई कहीं से भी लेके खा ले, क्योंकि बड़ी होटल में तो बहुत कम ही लोग जाते, बड़े लोग, बाकी छोटी मोटी जगह तो हर कोई चला जाता है। यार वैसे मेक्सिको वाले तो बड़े खुश नसीब हैं यार, इतना ज़बरदस्त टेस्टी खाना, इसको जिसने ईजाद किया है ना उसको तो मैं गुड कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। इसको हम रोल बना के भी खा सकते हैं ये, लेकिन ये जो मेक्सिको वालों ने ये कश्ती वाला जो रोल बनाया ना, ये बिल्कुल जैसे कश्ती की तरह, ये बड़ा ही ज़बरदस्त यार, बिल्कुल अलग ही है, इसको खाने का भी एक अलग मज़ा है, थोड़ी सी परेशानी है लेकिन मज़ा आता है इस तरह।
वायरी इस तरह खाने का भी एक अलग मज़ा है। गोश्त का टेस्ट ऐसा है जैसे काले तवे में हम ना गोश्त को बनाते हैं, जैसे सेक कर बनाते हैं, जैसे बारबेक्यू कहते हैं, इस तरह का टेस्ट आ रहा है जिसकी वजह से बहुत मज़ा कर रही है। वैसे यार इस टाइम पे गोश्त तो थोड़ा महंगा है हमारे इधर, तो रोज़ तो हम लोग खा नहीं सकते, लेकिन इस चैनल की मेहरबानी है जो इस चैनल पे जो है ना हम बैठ के कभी गोश्त कभी मुर्गी कभी कुछ मछली, तो अलग अलग चीज़ें हैं। वाकई यार बहुत ही ज़बरदस्त मज़े बहुत ही ज़बरदस्त, इसलिए जो है ना मेक्सिको वालों को तो मैं सल्यूट पेश करूँगा कि इतना ज़बरदस्त खाना वो खाते हैं मज़े ले लेकर। और मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे और इस तरह की कोई मज़ेदार डिश हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं वो डिश भी खाऊं। सर पसंद आई आज आपको ये बीड़िया डिश? मुझे तो आज ये मेक्सिकन जो बीड़िया डिश है वाकई बहुत पसंद आई। नाम सुन के तो अजीब सा लगा था, बीड़िया ऐसा लग रहा जैसे वो बेड़िया होते हैं ना इस तरह, लेकिन वाकई डिश बड़ी मज़े की थी। आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।